वेलकम टू माई न्यूट्रिशियस रेसिपीज़ मेरे चैनल पर आपका स्वागत है शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी ये देखिए यहाँ पर मैंने एक बोल बेसन लिया है इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे बेसन में अजवाइन और जीरे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है फिर हम उसमें डाल देंगे धनिया पाउडर सूखे हुए आधा चम्मच वन फोर चम्मच हींग और वन फोर चम्मच हम हल्दी डाल देंगे अब इसमें आधा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच नमक डाल देते हैं अब इसमें हम डालेंगे घी तो मैंने यहाँ पर दो से तीन चम्मच घी लिया है मेल्ट करके अब हम इसे मिक्स कर देंगे ये रेसिपी उनके लिए है जब जैन लोग दही या नींबू भी नहीं खाते हैं तो ये तीसरी स्पेशल रेसिपी बनेगी आज हमारी इसे राजस्थानी पित्तौड़ भी बोलते हैं वो दही में बनाते हैं पर मैंने इसको बिना दही के बनाया है बिना नींबू के क्योंकि कई बार तिथि में हम लोग दही और दही और नींबू कुछ भी नहीं खाते हैं तो ये रेसिपी बहुत काम आती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे तो टोटल मुझे डेढ़ बॉल पानी लगा था अच्छे से हिला देंगे ताकि एक भी इसमें गट्ठे नहीं पड़े ये देखिए मैंने एक बोल पानी डाल दिया है अभी आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसमें ये इतना पतला मैंने बैटर बना दिया है बेसन को पकने में भी अच्छा रहेगा पानी होगा तो उसमें अब स्टीमर रेडी कर दिया ट्रे को ग्रीस कर दिया है मैंने अब सारा बैटर मैंने एक ही ट्रे में आ जाए उतना ही लिया है तो ये देखिए इस तरह से थोड़ी सी लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर दी है थोड़ा सा लुक भी अच्छा आएगा इसलिए तो अब हम रख देते हैं मुझे पूरे बीस मिनट लग गए थे इसको पकाने में क्योंकि इसमें पानी भी ज़्यादा होता है और थोड़ा जाड़ा भी है तो अब बीस मिनट के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी अब देखिए हम रोटी की तैयारी करते हैं यहाँ मैंने एक बोल गेहूं का आटा लिया है उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है आधा चम्मच अजवाइन और इसमें भी जीरा डाला है अब तीन चम्मच घी इसमें भी डाल दिया है और इसे मिक्स कर देंगे ये देखिए अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके बाद में हम इसमें डालेंगे पानी तो आधा बोल जितना पानी लगा था उसमें आटा लगाने में इसका आटा हमें बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है बहुत ज़्यादा कड़क भी नहीं कर रही हूँ मैं तो ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी वाला डो रेडी हुआ है अब इसको रख देते हैं बीस मिनट तब तक हम देख लेते हैं ये देखिए हमारे अब पितौड़ भी रेडी हो गए हैं तो हम ले लेते हैं इसे नीचे और ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब ये देखिए पैन में डालते हैं आधा चम्मच या आधा बड़ा चम्मच घी है ये हम तड़का रेडी कर रहे हैं अपनी सब्ज़ी के लिए पितौड़ ही सब्ज़ी घी में अच्छी लगती है आप चाहें तो ऑयल डाल सकते हैं इसमें मैंने राई जीरा हींग हल्दी डाल दिए तेज़पत्ता लौंग और काली मिर्च और सूखी हुई लाल मिर्च डाल दी है इनसे पका देते हैं पहले अब लाल मिर्च का पाउडर डाल के इसमें एक बोल पानी डाल देते हैं अब हम इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर आधा चम्मच और मैंने नमक भी डाल दिया है वन फोर्थ चम्मच और उसको पकने को रखते हैं तब तक ये देखिए ठंडे हो गए हैं तो ये कट करने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं बड़े बड़े पीस मैंने एक ट्रे में रख दिए हैं और ये देखिए जो साइड में छोटे छोटे पीस होते हैं उनको मैश कर दिया है चम्मच से अब वो हम डाल देंगे इसमें तो हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक भी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है अब हम इसमें डाल देते हैं अपने ये पितौर जो स्क्वायर पीस करके रखे थे गरम मसाला डाल देते हैं ऊपर से एक बोल पानी डाल देंगे और फिर हम रख देंगे इसको दो से तीन मिनट ढक कर करके तो ये मसाला और पित्तौर सब मिक्स हो जाएंगे तब तक हम रख देते हैं ये देखिए तीन मिनट के बाद में हमारी सब्जी कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है अब हम इसको सर्व करते हैं एक बोल में ऊपर से थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं घी में लाल मिर्च डाली है मैंने और इसके ऊपर डाल दी है ये देखिए तो काफ़ी टेस्टी बनी है और इसमें ज़्यादा कुछ डाला भी नहीं है अब हमारा आटा भी सेट हो गया है तो हम ये खोबा रोटी बना रहे हैं जो सिंपल वाली हम बनाते हैं आटे की हमने बॉल बना दी है पहले तवा गरम करने को रख देंगे फिर रोटी बेल देंगे ये ये थिक रोटी होती है आप देख सकते हैं कितनी जाड़ी बनाई है मैंने इसको तवे पे रख देते हैं लो फ्लेम पर फिर हम नाइफ से इसमें थोड़े से छेद कर देंगे आप किसी भी चीज़ से छेद कर सकते हैं ये देखिए इस तरह की हो जाएगी तब हमें इस तरह से फिंगर्स को लेना है और होल बना देने हैं इसमें मैंने मेथी मसाला की भी खोबा रोटी बनाई है उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है वो भी आप चेक कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी पर वो इस तिथि में नहीं चलती है इसलिए मैंने आज ये सिंपल बनाई है तो इस तरह से हम दवे पे पहले सेक देंगे और उसके बाद में हम गैस पे सेक देंगे अगर आपके पास जाली है तो आप उसके ऊपर भी रख सकते हैं इस तरह से हमें सेकनी होती है ये रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैंने इस तरह से तिथि स्पेशल खांडवी भी, भी बनाई है वो भी बहुत टेस्टी बनी थी तो वो भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो देखिए इसमें घी भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है पर इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है और ये बहुत हेल्दी भी होती है तो अब हम करते हैं इसको सर्व हमारी पित्तौर की सब्ज़ी और खोबा रोटी रेडी है खाने के लिए टेस्टी बनी है एक बार अब जरूर ट्राई कीजिएगा